हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अनूप सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल भैया जी में। गाइस, ये वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीएल ऑक्शन जो रियल क्रिकेट 18 में आ रहा है उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। गाइस, ये जो मैं फीचर्स बताने वाला वो दोस्तों हमारे यूज़र्स और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे ही क्वेश्चन किया था कि आपको रियल क्रिकेट 18 के आईपीएल ऑक्शन में क्या क्या फीचर्स चाहिए, तो वहाँ से बहुत सारे हमें जवाब मिले हैं। तो गाइस, उनमें से कुछ का पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, तो उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और गाइस, अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो गाइस, वीडियो पसंद आ जाए तो भाई लाइक ज़रूर करना और चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं जो फीचर्स आपको बताने वाला हूँ वो कुछ फीचर जो पॉइंट मुझे अच्छे लगे मैंने व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में पूछा था, तो वहाँ पे मुझे कई जवाब मिले, बट मुझे ये जो सबसे अच्छे उनमें से लगे मैं आपको वही बताऊंगा। और गाइस, अगर आपको और कोई पॉइंट आपका रखना है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो कि आपका क्या पॉइंट है और क्या मैंने मिस कर दिया, कौन सी पॉइंट, तो आप भी जाके कमेंट में जाके ज़रूर बताओ। तो मैं आपको एक एक करके वो सारे फीचर्स बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहला जो फीचर मुझे लगता है वॉन्टेड फीचर होना चाहिए वो रियल क्रिकेट 18 के आईपीएल ऑक्शन में, कि दोस्तों हमें जो मनी मिलनी चाहिए बिडिंग के लिए, टोटल अमाउंट जो हमें मिलनी चाहिए वो कम से कम 10K होनी चाहिए, यानी कि 10,000 रुपये या डॉलर जो भी दे, ये रियल क्रिकेट 18 जो भी देती है डॉलर या रुपीज़, वो 10K कम से कम होना चाहिए, ताकि गाइस हम अच्छी सी अपनी एक टीम बना सकें अपने ऑक्शन में। तो कम से कम 10K हमें मिलेंगे तो हम अच्छी सी टीम हम बना सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है गाइस, वो अपने टीम का ओनर हम सेलेक्ट कर सकें, ऐसा ओनर सेलेक्ट कर सकें ताकि हमारी टीम अच्छी से अच्छी बने, और टीम का ओनर अच्छा होगा तो टीम अच्छी होगी गाइस। तो इसलिए टीम का ओनर हमें खुद चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और हम अपना टीम का ओनर खुद से चॉइस कर सके, खुद से चूज़ कर सके, वो हमारी चॉइस होनी चाहिए। और गाइस, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गाइस, जो मुझे थर्ड ऑप्शन यही है, थर्ड पॉइंट मेरा यही है, यहाँ पे RTM का ऑप्शन होना चाहिए, राइट टू मैच फीचर ज़रूर होना चाहिए गाइस इसमें RTM, क्योंकि RTM फीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस। आप अपने किसी भी प्लेयर को RTM कर सकते हो, राइट टू मैच कर सकते हो, टीम कर सकते हो अपने टीम में फिर से, तो ये ज़रूर होना चाहिए RTM का फीचर। तो चौथा फीचर जो मुझे लगता होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको प्लेयर खरीदने से पहले किसी भी प्लेयर, जो भी प्लेयर होगा जिसका आप बिडिंग कर रहे हो, उस प्लेयर का आपको दिखाना चाहिए फीचर। जैसे फीचर में मैं कह लूँ बॉलिंग, बैटिंग, उसकी जो स्टैट है वो सारी चीज़ें आपको दिखाना चाहिए। तो प्लेयर्स का स्टैट दिखाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, और हम उस प्लेयर को स्टैट के हिसाब से खरीद सकते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, उससे टीम हमारी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। जैसे हम प्लेयर चाहे वैसे खरीद सकते हैं, जब हमें ऑलराउंडर या बैट्समैन चाहिए या लेफ्ट हैंडर बैट्समैन चाहिए, बॉलर चाहिए, स्पिनर चाहिए, तो उस हिसाब से हम देख के खरीद सकते हैं, वो प्लेयर का स्टैट दिखाना चाहिए। और पांचवा जो फीचर होना चाहिए गाइस, वो जो प्लेयर के फ़ोटो दिखाई देते हैं, जो प्लेयर्स की वो इमेज जो दें वो रियल इमेज ही देना चाहिए, क्योंकि रियल इमेज देंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, फीलिंग जो आएगी गाइस वो एकदम आईपीएल की ऑक्शन, रियल ऑक्शन वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि गाइस जहाँ रियल क्रिकेट 18 की बात हो रही है तो फीलिंग भी थोड़ा सा रियल आना चाहिए गाइस, इसलिए यहाँ पे हुए 5 फीचर। और बाकी फीचर मैं आपको बताता हूँ। तो छठा फीचर जो है गाइस, छठा फीचर होना चाहिए, जैसे मैंने बॉलर ली है तो बॉलर मैंने यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, तो बॉलर का टाइप दिखाना चाहिए, जैसे वो बॉलर कौन सा है, फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, स्पिनर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। ये रहा हमारा छठा पॉइंट, छठा फीचर जो मैं चाहता हूँ गाइस। और यहाँ पे जो अनशोल्ड का ऑप्शन भी होना चाहिए, जो प्लेयर
जैसे यहाँ पे कुछ होता है ना गाइस, अनसोल्ड रह गए कुछ प्लेयर, जैसे यहाँ पे क्रिस गेल अनसोल्ड रह गए थे, उनको बाद में हालांकि खरीद लिया गया, तो ऐसे ही फीचर यहाँ पे होना चाहिए। जब उसे किसी प्लेयर को कोई ना खरीदे तो वो अनसोल्ड रहना चाहिए। सेवन्थ फीचर बताया अनसोल्ड वाला। और गाइस एट्थ, आठवां जो फीचर है वो भी इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि अनसोल्ड प्लेयर है, अगर मैंने उसे बाद में बाय करना चाहा भाई, अगर मैंने बाद में उसे खरीदने का मन बना लिया, तो भाई मुझे वो खरीदने की परमिशन हो, मैं उसे बाद में भी बाय कर सकूँ, तो ऐसा कुछ भी फीचर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्रिस गेल तीसरी बार में दोस्तों खरीदे गए, उसी तरह कुछ ऐसा फीचर भी इसमें होना चाहिए। तो भाई ये सारे फीचर्स जो मुझे और मेरे यूजर्स को लगता है होने चाहिए, तो आप क्या सोचते हो भाई, ये होने चाहिए या नहीं होना चाहिए, जाके कमेंट में जरूर कमेंट करके बताओ। और गाइस अगर आपका कोई फीचर मिसिंग है तो आप जरूर कमेंट में जाके कमेंट कर दो वो फीचर क्या है, हैशटैग फीचर लिख के आप अपना कमेंट कर दो, और उसके बाद हम देखेंगे। और गाइस तो 12 अप्रैल को ये मिल जाएगा, और तब देखेंगे गाइस में क्या क्या फीचर्स है, ये तो हमारा और हमारे यूजर्स का बताया गया था। मैंने दोस्तों वहाँ पे फेसबुक की हमारी जो टेक्निकल भैया जी का पेज है उसकी भी लिंक दी है, और वहाँ पे जाके आप उसे लाइक करके फॉलो कर सकते हो। तो गाइस ये रहा आज का वीडियो, होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और गाइस साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और डिस्क्रिप्शन में गाइस मैंने एक और चैनल की लिंक दी है हमारे, जो हमारा सेकंड चैनल गेमिंग गाइड है, तो उस पर भी जाके सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।